किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई? फिर वही थाने गई तो वो कहने लगे जब चोट आएगी, हमला होगा, खून निकलेगा तब यह तैयार होगी। आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। उन्होंने फिर से मुझसे साइन करवा लिया कि साइन करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है, 4 बहनों पे उसे मार डाल। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। टीचर हैं आप? कहाँ पर? गोल्डन वैली स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, इसमें बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ। ग्वालियर में स्कूल है? गोल्डन वैली। ग्वालियर का? ग्वालियर में है ना। तो किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई थी? पहले मैं माधवन थाने में गई तो उन्होंने मुझे गिरवाई थाने भेजा, फिर गिरवाई थाने वालों ने पड़ाव थाने भेजा, फिर पड़ाव थाने वालों ने भोड़ापुर भेजा, फिर भोड़ापुर वालों ने फिर पड़ाव थाने भेजा। ऐसे एक महीने तक मुझे घुमाते रहे। आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। ओहो, ये कब की घटना है? एक महीने पहले गई थी मैं FIR लिखवाने, पर वो मैडम ने FIR नहीं लिखी मेरी और मेरे साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद मैं रोते रोते SP ऑफिस गई और उसके बाद में ना उन्होंने SP के आदेश से मेरी FIR हो गई। फिर भी वो मुझे रात में बोलने लगी 8 बजे कि तुम FIR अभी भी करवाना चाहती हो, इतनी मार खा के तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, ऐसे फालतू फालतू बोलने लगी। मेरे जीजा जी मेरे साथ थे तो FIR हो गई। फिर सुबह फिर वो डराने लगी, जब 164 के बयान देने गई तो आरोपी के घर वाले और मैं और मेरे जीजा थे, पर उन्होंने फिर से मुझसे साइन करवा लिए कि साइन करो, नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है, 4 बहनों पे उसे मार डालेंगे। तो मैंने साइन कर दिया। फिर जब कोर्ट ने वो खारिज कर दिया तो वो फिर से परेशान करने लगे हमें, कभी कभी घर पर आ जाते हैं रात में, दिन में मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरा स्कूल पढ़ाना भी बंद करवा दिया उन्होंने। अब मैं घर पर बैठी हूँ, कहीं नहीं जा सकती। जैसे सैमटीएन सैंपल के लिए गए तो लड़के पीछा कर रहे हैं, स्कूल लाती हूँ तो पीछा कर रहे हैं, कभी भी घर पर आ जाती है मारने के लिए। जब गिरवाई थाने गई तो वो कहने लगे जब चोट आएगी, हमला होगा, खून निकलेगा तब यह तैयार होगी। जब वो चाटे मारते हैं और संजीदा मैम तो इतनी बेकार है, मुझे पैदल चलाने लगी पौड़ा को थाने से, पड़ाव तक पैदल ही ले गई, दिन में घुमाने लगी जैसे कि धूप निकल रही और मुझे इस तरीके से ले जाने लगी और कहने लगी अगर तेरी अकल ठिकाने अभी नहीं आई थी हेल्प लाइन तो मैंने शिकायत कर दी थी, उसे वापस नहीं लिया तो पिंडी तक ले जाऊंगी तुझे, ऐसे बोलने लगी। फिर मैं रोने लगी, मैंने कहा मुझे घर जाने दो, नहीं जाने दे रही। फिर मैंने अपने एडवोकेट से बात की कि मैडम इनको समझा दो, ये मान नहीं रही। फिर उन्होंने बात की थी आई सर से, फिर मुझे 8 बजे घर छोड़ा गया। मेरी मम्मी भी रोने लगी, कहने लगी छोड़ दे तो क्यों पड़ी है उनके पीछे, वो उस मैडम ने तेरा कितना कर दिया। फिर मैंने कहा तुमने उनसे पैसे लिए है ना, इसलिए तुम मुझे मारती हो। तो कहने लगी तू दे दे पैसे, फरियादी पार्टी भी पैसे दे दी, तू दे तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी, ऐसे बोलने लगी। And The misbehavior aspect also has to be very seriously looked into. Tell your assessment. You should have already thinking about her predicament. Look at her helplessness. Ensure that every possible action is taken on her complaint. And such officials who have misbehaved with her are taken for task. I'm posting it on Monday. This one Monday. Madam, you submit the complete chart of the composite 5 reports. So I will not pass any order today. I will only say put up on Monday. You can. Let her also come on that day. Lordship.